यहाँ पर अब हम लोग इस डिस्कशन में ये निष्कर्ष निकालने के मेन हमें फोकस करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है हर रैंडम वेरिएबल के ऊपर उसका जो सम है वो वन आना चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन या डिफाइन हमने उसे किस तरह से किया है. अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 13.4 के ऊपर और उसमें पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो रीजन तो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब अपने आप में ही है कि समेशन ऑफ पी एक्स आई जो है वो वन होना चाहिए. तो अगर आप इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें तो उसमें हम लोगों को जो फर्स्ट दिया हुआ है उसमें x, दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन और ये वन का वन है, फर्स्ट पार्ट है. उसमें x दिया हुआ है हमें 0, 1, 2 और जो px है, px हमें दिया हुआ है 0.4, 0.4 और 0.2. तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो समेशन ऑफ pxi है तो वो इन सब का मिलाकर वन है. तो जब इसकी वैल्यू वन हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज ये नहीं होता. अगर आप दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो उसमें जो x इज इक्वल्स टू 3 है उसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंड वाला है इसमें, उसमें जो x इज इक्वल्स टू 3 है उस x इज इक्वल्स टू 3 की करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.-0.1 है, जो कि नहीं हो सकती है. बिकॉज probability of any xi is always greater than 0. So that's why this is also not a probability distribution. तो दूसरा वाला भी probability distribution नहीं है. तीसरे वाले में जो py है, उन py का अगर हम summation करें सभी का, summation of py i, तो आपको जो p1 दिया है वो 0.6 दिया हुआ है, प्लस 0.1 दिया हुआ है, प्लस 0.2 दिया है. दिस इज इक्वल्स टू 0.9, नॉट इक्वल्स टू 1. तो इसमें जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, फोर्थ वाला जो पार्ट है उस फोर्थ वाले पार्ट में भी अगर आप समेशन ऑफ पी जेड आई करें, पी जेड दिए हुए हैं सभी को, अगर आप ऐड कर देंगे तो ये 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05, इन सबको अगर ऐड आप कर दें तो ये 5 हो गया और ये मिलके 5 हो गया 1. तो दिस इज इक्वल्स टू 1.05. दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला है वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो इन चारों में से केवल एक ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और वो है फर्स्ट वाला. रेस्ट ऑफ दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है. इसमें केवल एक ही शर्त हमें चेक करनी थी और वो शर्त थी ये वाली शर्त पूरी होगी तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं है. अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स. 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन. 2 बॉलें निकाली जाती हैं याद रखिए, और एक बैग में 5 लाल और 2 काली गेंदें रखी हुई हैं. लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. और जो x है वो ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, इज x अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपके पास में 7 बॉलें हैं कुल मिलाकर, और आप निकाल सकते हैं कितनी, 2 बॉलें आपको निकालनी हैं. और आपको उसने कहा है कि x इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है x इज इक्वल्स टू मींस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स टेकिंग 2 बॉल्स एट अ टाइम. यानी कि 2 बॉल्स अगर निकाली जाती हैं तो उनमें ब्लैक बॉल कितनी होंगी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x को रिप्रेजेंट करता है. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में कुल मिलाकर 2 ब्लैक बॉल्स हैं, है ना, और 5 रेड बॉल हैं. तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं x के लिए, ठीक है ना. सो पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल
वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई हो सकता है कि वो जो दो बॉलें निकाली हैं आपने वो दोनों ही क्या हों, रेड बॉल्स हों, दोनों ही रेड बॉल हों, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बोथ आर रेड बॉल्स, दोनों ही क्या हों, लाल बॉल्स हों। एक्स की वैल्यू एक हो सकती है, एनी वन इज रेड बॉल, ठीक है, सॉरी एनी वन इज ब्लैक बॉल, कोई एक जो है वो ब्लैक बॉल हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है, और x इज इक्वल टू टू, बोथ आर ब्लैक बॉल्स, दोनों ही क्या हो, ब्लैक बॉल्स हो। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, रैंडम वेरिएबल की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो यहां पर कितनी आ सकती हैं, जीरो आ सकती है, वन आ सकती है और टू आ सकती है, और इस केस में जो x है, x इज रैंडम वेरिएबल, और जो x होगा वो एक रैंडम वेरिएबल होगा, यानी कि यादृच्छिक चर राशि होगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर दो में। क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा हुआ है, लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेनिंग व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम्स। बहुत बढ़िया, एक कॉइन को छह बार टॉस किया जाता है, बहुत अच्छे। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, वो हमसे उसने कहा है, ठीक है, लुक एट दैट। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें कहा है कि एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम्स, ठीक है ना। तो गिवन, इस क्वेश्चन नंबर थ्री में जो गिवन है, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स इन टॉसिंग अ कॉइन सिक्स टाइम्स, A tossing a coin six times. तो look at that. अब आपके पास में x की क्या क्या values हो सकती हैं possibly, ठीक है ना? आपके पास में भाई क्योंकि छह बार उछालना है तो किसी भी ये value या ये value की maximum value छह हो सकती है। तो आपके पास में possible values क्या हो सकती हैं x की? Possible values of x is equals to अगर मान लीजिए छह के छह हेड आ जाए और एक भी टेल ना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सिक्स हेड माइनस जीरो टेल, तो दिस इज इक्वल्स टू सिक्स होगा। एक्स इज इक्वल्स टू फाइव हेड और एक टेल हो, एक टेल आए, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू फाइव होगी। एक्स की वैल्यू हो सकती है फोर हेड और टू टेल, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहां पर फाइव हेड और वन टेल अगर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर, फिर फोर हेड और दो टेल होंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू, और फिर एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास दो हेड होंगे और सॉरी चार हेड है तो दो टेल होंगे, और यहां पर फिर मुझे लिखना चाहिए था तीन हेड हो और तीन ही टेल हो तो आपको मिलेगी वैल्यू जीरो। इसी प्रकार एक्स इज इक्वल्स टू अगर मान लीजिए आपके पास में दो हेड है और माइनस चार टेल है, भाई क्योंकि दोनों का जो सम है वो सिक्स होना चाहिए, न्यूमेरिक सम सिक्स होना चाहिए क्योंकि छह कॉइन है आपके पास में, छह बार टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को आप, तो दो हेड हो चार टेल हो तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। एक्स इज इक्वल्स टू एक हेड हो और माइनस पांच यानी कि फाइव टेल आए तो ऐसी स्थिति में एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर, और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हेड हो और आपके पास में कुल मिलाकर जीरो हेड हो और सिक्स टेल्स आ जाए तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस
सिक्स. तो यहां पर जो आपके पास में जो वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, वो आ रही हैं 6420 और -2, -4, -6 बेसिकली, राइट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि आप लोगों को मिलेंगी. क्लियर. तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म होता है, बिकॉज उसने जो हमसे कहा था कि एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस, ठीक है ना, 6 टाइम्स. तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो ये हैं बच्चों हमारे पास में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. क्लियर. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड वे में देखा जाए, तो ब्रॉड वे में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस में से किसे माइनस करना है. बस इतना लिखा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. तो बेसिकली इसमें एक और कंसेप्ट बन सकता है कि हम ये जो वैल्यू है ये मॉड्यूलस वैल्यू ले लें, ये लाइक दैट, इस तरह से ये मॉड्यूलस वैल्यू ले लें. तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों को नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के डिफरेंस मिलेगा, उसमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो बेसिकली केवल ये मिलेंगी, क्या, 6, 4, 2 और 0, ठीक है. क्योंकि अगर डिफरेंस देखा जाए इनका तो केवल ये नंबर्स आपको मिल रहे हैं, वट एवर इट इज इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव वे. तो इस क्वेश्चन को ब्रॉड वे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं. बाकी जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आप देखना कि जो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी वही इसकी आएगी, जो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी वही इस एक्स वेरिएबल की आएगी, जो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी वही इसकी आएगी, और बाकी इसकी तो सेम ही आनी है. तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में तो इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम आएंगी. तो वास्तव में अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यूज केवल 4, 6, 4, 2 और 0 लिए जाए तो ज्यादा कारगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है बनिस्पत इन वैल्यूज को लेने से, ठीक. तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं और अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर. नाउ बच्चों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. नंबर 1, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, और नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तो बेसिकली हमें ये इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए हैं. एक तरह से हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है. पहली स्थिति जबकि आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ हेड्स के लिए आपको निकालना है प्रायिकता बंटन. फिर दूसरे केस में 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ टेल्स के लिए निकालना है आपको प्रायिकता बंटन, यानी कितने टेल्स आ रहे हैं, पुच्छ आ रहे हैं. और तीसरे केस में नंबर ऑफ हेड्स जबकि आप 4 कॉइन को क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो. तो तीनों ही स्थितियों में हम सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे और उसके आधार पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे. तो लुक इट दैट, जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट और 4 का ये फर्स्ट पार्ट द सैंपल स्पेस व्हेन टॉसिंग 2 कॉइंस, यानी कि 2 सिक्कों की उछाल से प्राप्त यादृच्छिक समिष्टि या प्रतिदर्श समिष्टि, राइट. तो वो हमारे पास में बनेगी बच्चों, वो कितनी बनेगी हमारे पास में, दिस इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू एच 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 टी टी एच और टी टी, ये बनेगा हमारे पास में बेसिकली. और यहां पर उसने जो कहा है हम यहां पर लिख देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेड्स को. तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स जब आप एच एच लेते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 2, एक्स जबकि आप एच टी या एक्स ले टी एच के लिए तो ये 1 आता है, और जब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आप लेते हैं क्या टी टी के लिए तो इसकी वैल्यू आती है 0, ठीक. सो दिस इज आर वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये हमारे यादृच्छिक चर की वैल्यूज है, ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो प्रोबे
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चों, प्रायिकता बंटन क्या होगा, यहां लिखिएगा x, यहां लिखिएगा px। तो x की वैल्यूज कितनी है, 0 है, 1 है और 2 है। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो p0, एक तरह से p0 की वैल्यू कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं, 4। और हमारे पास में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें एक भी हेड नहीं आता है, तो ऐसे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो है एक एलिमेंट है। आई रिपीट, एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स की जो संख्या है वो कितनी है, 0 है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/4। क्लियर बच्चों, यहां रखिए, ऊपर जीरो मत करिएगा, जीरो तो जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को बताता है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि वो केस जिसमें आपको एक भी हेड ना मिले, तो आपको मतलब दोनों टेल मिलना चाहिए, दोनों टेल तो सैंपल स्पेस का एलिमेंट है ना, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो आपकी इस बात को फेवर करता है, इसके अनुकूल है कि एक भी हेड ना मिले, तो इसके अनुकूल एक एलिमेंट था और टोटल एलिमेंट 4 थे। अब वो स्थिति जब x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू 1 हो यानी एक हेड मिले, तो ऐसे कितनी स्थिति हैं जिनमें एक हेड मिला है, तो दो स्थिति हैं, यानी दो चीजें आपको फेवर कर रही हैं और टोटल कितनी है, 4। तो दिस इज 2/4 यानी कि 1/2 लिख लीजिएगा काट के। और वो स्थिति जिसमें x की वैल्यू जो है वो 2 है यानी कि 2 हेड्स मिल रहे हों, तो ऐसी स्थिति कब बनती है, केवल एक बार बनती है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, 1/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस केस, जब आप दो कॉइंस को टॉस कर रहे हो। अब जो सेकेंड केस है इसका, इसी क्वेश्चन का, वो है, उसके लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइंस, 3 कॉइंस को टॉस करने से बना सैंपल स्पेस। तो S इज इक्वल्स टू आ जाएगा HHH एच एच टी एच टी एच एच टी टी, फिर टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी, दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, अब हम x डिफाइन करते हैं। सेकेंड केस में उसने x का मतलब हमसे कहा था नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस, बहुत बढ़िया। लेट, उसने कहा लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स इन अ ट्रायल, राइट, इन अ ट्रायल, मतलब कि ये जो एक सैंपल एलिमेंट है ये एक ट्रायल भी कह सकते हैं आप इसको, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं ये x डिनोट करता है। दिस इज आर रैंडम वेरिएबल, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है यानी कि यादृच्छिक चर है। हिंदी मीडियम वाले जहां पर जरूरी हो वहां पर हिंदी में आप लिखेंगे, ओके, जहां पर ना समझ में आए वहां पर आप इसके हिंदी वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जो मैं लिखते समय बोल रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि सो द, ओके, अब पहले बात, अब इसके लिए, इसके बाद में हम ये तो निकाल लें हर एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है। तो अगर आप देखें कि एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स, ये गलत लिख दिया यहां पर, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक, इन अ ट्रायल। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इस एलिमेंट के लिए यानी कि x फॉर h h h, तो यहां पर इसकी वैल्यू है 0 क्योंकि यहां पर एक भी टेल नहीं है। अब वो एलिमेंट्स ढूंढिए जिनमें एक टेल है, तो वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे h h t इज इक्वल्स टू x h t h इज इक्वल्स टू x एच एच, ठीक है। ये 3 स्थितियां बनेंगी जब आपको एक टेल मिलेगा। सो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 1 क्योंकि एक ही टेल है यहां पर इन ट्रायल्स में। फिर वो स्थिति थी जब आपको 2 टेल्स मिलेंगे, तो वो बनेगी आपको कितनी, टी टी एच इज इक्वल्स टू x टी एच टी इज इक्वल्स टू x टी एच, सॉरी दिस इज टी टी एच हो गया, टी एच टी हो गया और एच टी टी हो जाएगा, एच टी टी।
ये तीन स्थितियां बनेंगी जिसमें आपको दो टेल मिलेंगे। तो यहां पर टेल की वैल्यू कितनी हो गई, दो, यानी कि नंबर ऑफ टेल्स डिनोट करता है ना ये एक्स, तो इन स्थितियों में टेल्स की संख्या कितनी हो गई, दो। और फाइनली जब आपको तीनों ही टेल मिलेंगे तो आपको कुल मिला के एक्स की जो वैल्यू है वो तीन मिलेगी, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से शुरू होकर तीन तक जाती है, ठीक। और जीरो का मतलब है कि आपको उस पर्टिकुलर ट्रायल में, उस सैंपल एलिमेंट में कितने टेल मिल रहे हैं। तो इसमें एक भी टेल नहीं था, इन सब में एक एक टेल था, इन सब में दो टेल थे और इसमें तीन टेल थे। ध्यान रखिएगा, इस एक्स का मतलब कुछ और है, ठीक है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, ना कि प्रोबेबिलिटी का उससे कोई संबंध है। अब उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो लुक एट दैट, अब निकालते हैं हम लोग क्या, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पी एक्स है, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जब आपको कोई भी टेल नहीं मिलता है, तो ऐसी कितनी स्थितियां हैं, तो ऐसी एक ही स्थिति है, और कुल स्थितियां कितनी हैं, 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां पर 1/8। जब आपको एक है टेल मिलता है तो ऐसी कुल मिलाकर कितनी स्थितियां हैं जिनमें आपको एक टेल मिल रहा है, कुल स्थितियां हैं 3, यानी कि फेवरेबल केसेस हैं 3 और टोटल केसेस कितने हैं, 8। उसी तरह ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें आपको दो टेल्स मिल रहे हैं, तो वो उनकी संख्या है 3, टोटल केसेस हैं 8। और फाइनली ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें तीनों टेल मिल रहे हैं, तो वो है 1 और टोटल है 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस, यानी कि इस दूसरे वाले केस में जिसमें कि हम तीन कॉइंस को टॉस कर रहे थे, उसमें हमने पहले एक्स को निकाला हर एक सैंपल एलिमेंट के लिए और फिर उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली, और ये बना दिया हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक्स का मतलब है नंबर ऑफ टेल्स इन एनी सैंपल पॉइंट। क्लियर? तो ये सेकेंड पार्ट भी यहां पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। नाउ बच्चों, अब आते हैं इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ हेड्स बोला है लेकिन चार कॉइन को टॉस करना है, ठीक, या एक तरह से एक ही कॉइन को चार बार टॉस करना है। तो अब मैं इसको जरा शॉर्ट में कर देता हूं, सारी लैंग्वेज ना लिखते हुए केवल आपको मेन जो है वो लिख देता हूं, बाकी चीजें आप लिखते रहिएगा। सबसे पहले तो हम बनाएंगे सैंपल स्पेस, राइट, सैंपल स्पेस। तो जब आप चार बार एक ही कॉइन को टॉस करोगे, यानी कि आपको चार रिजल्ट्स मिलेंगे एक ही ट्रायल में, ठीक है, तो उसके केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा एच 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 टी, फिर एच एच टी एच 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 टी टी, देन इसके बाद में एच 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 टी एच 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 टी एच टी एच टी टी एच और एच टी टी टी, राइट। देन इसके बाद में अब ये लास्ट के जो तीन पोजीशंस हैं ये एज इट इज रहेंगी, सबके आगे बस आप टी लगा दीजिए आप, ठीक है। तो ये मिल जाएगी आपको टी एच 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 टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी, देन इसके बाद में टी टी एच एच टी टी एच टी 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 एच और टी 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 टी। दिस इज द सैंपल स्पेस। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको, क्योंकि कहा है उसने, क्या कहा है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसमें जो एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज मैक्सिमम हो सकती है 4, मिनिमम हो सकती है 0, 0 मिल सकती है,
एक मिल सकती है, दो मिल सकती है, तीन मिल सकती है और चार मिल सकती है। आपको अब ये देखना है कि कितने एलिमेंट हैं जिनमें आपको एक भी हेड नहीं मिला। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक भी हेड नहीं मिल रहा है आपको, यानी कि दिस वन। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिसमें एक भी हेड नहीं मिल रहा है? एक एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 16। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/16। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनमें केवल एक हेड मिल रहा है? तो ऐसे एलिमेंट्स की संख्या जिनमें केवल एक हेड मिल रहा है तो उनकी संख्या आप यहां पर देखिए, 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें केवल एक हेड मिल रहा है। तो फेवरेबल केसेस तो हो गए 4, टोटल केसेस हो गए 16। अब ऐसे एलिमेंट ढूंढिए जिनमें दो हेड्स मिल रहे हैं आपको, एग्जैक्टली 2। तो उसके केस में एक एलिमेंट ये रहा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सॉरी 5, ठीक है 5 और ये 6। तो कुल मिलाकर 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें दो हेड मिल रहे हैं आपको एग्जैक्टली, तो 6/16। अब इसके बाद में ऐसे एलिमेंट्स कितने हैं जिनमें आपको 3 हेड्स मिल रहे हों? तो 3 हेड्स का मतलब है 3 जगह पर हेड और एक टेल होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, तो कुल मिलाकर 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें आपको 3 जगह पर हेड मिल रहा है। तो दिस इज 4/16। एंड फाइनली ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनमें आपको 4 हेड्स मिल रहे हैं? तो एक ही एलिमेंट है ऐसा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको 1/16। आई रिपीट स्टूडेंट कि यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हम एक ही क्वेश्चन में जो है अलग अलग कंडीशनों में प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी जब आपको केवल क्या मिले, एग्जैक्टली एक भी हेड ना मिले, ये जब एग्जैक्टली एक हेड मिले, ये 2 हेड, ये 3 हेड और ये 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब हम एक ही क्वेश्चन में कई सारी स्थितियों में कई सारे इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये अपने आप में इवेंट्स हैं, ये x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। एक्स का मतलब 0 का मतलब है एक भी हेड ना है, इसका मतलब एक हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए, 4 हेड आए। तो मतलब अलग अलग इवेंट्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने नंबर ऑफ हेड्स के लिए निकाला है, और स्थिति थी जब आप एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे थे। तो पहले सैंपल स्पेस बनाइए और फिर उसके बाद जो कंसेप्ट्स आपके पास हैं उसकी मदद से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए। तो इसके बाद में अब आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। यानी कि एक डाइस को 2 बार टॉस करना है और उसमें नंबर ऑफ सक्सेस के लिए हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड, और हमें सक्सेस को परिभाषित करा है अलग अलग स्थितियों में। तो 5 में 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखें लेकिन दोनों ही केसेस में हमको दो डाइस को ही फेंकना है। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना, और फिर आगे करते हैं। तो ये रहा 5 क्वेश्चन, और इस 5th क्वेश्चन में दी सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 डाइस, 2 डाइस को टॉस करने पर हमारे पास में जो आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, आइए जरा देखते हैं। लुक एट दैट डाइस, ये अपने आप में प्लूरल है। तो हमारे पास में 1, 1 आ सकता है, 1, 2 आ सकता है, से लेकर 1, 6 आ सकता है, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। फिर इसी तरह से 2, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, ठीक है ना, से लेकर 2, 6 तक आ सकता है। एंड सिमिलरली हमारे पास में 3, 1 आ सकता है, 3, 2 आ सकता है, से लेकर 3, 6 तक आ सकता है। हमारे पास में 4, 1 आ सकता है, 4, 2 आ सकता है, से लेकर 4, 6 आ सकता है। और हमारे पास में 5, 1 आ सकता है, 5, 2 आ सकता है, से लेकर 5, 6 तक आ सकता है।
हमारे पास में 61 आ सकता है, 62 आ सकता है, से लेकर 66 आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे सैंपल स्पेस में वो आएंगे 36, 36। अब उसने जो हमसे कहा है, ठीक है ना, 5-1 में जो कहा है, लेट x इज इक्वल्स टू सक्सेस, राइट, ये सक्सेस है। और सक्सेस को उसने डिफाइन कैसे किया है, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, ओके, नंबर ग्रेटर देन 4। अब इस फिफ्थ के फर्स्ट केस में हमने x को डिफाइन किया, x का मतलब है सक्सेस, ठीक, और यहां पर फर्स्ट में वो कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस का मतलब है पहले केस में नंबर ग्रेटर देन 4। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पर x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, लुक एट दैट, x की वैल्यू आपको 0 मिल सकती है, x इज इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब है नो सक्सेस, और नो सक्सेस का मतलब है दैट इज नंबर ऑन both dice is less than or equal to 4। x का मतलब, x is equals to 0 का मतलब है एक भी सक्सेस ना मिले। सक्सेस का मतलब तो नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 है ना, और आप कह रहे हैं एक भी सक्सेस, यानी दोनों डाइस पर जो नंबर है वो क्या आना चाहिए, 4 या 4 से कम आना चाहिए। तो अब ऐसे कुल मिला के कितने केसेस होंगे जिसमें आपको जो डाइस है उस पे नंबर जो है वो 4 या 4 से कम मिलेगा, लुक एट दैट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 11, 12, 13 और 14 ये कुल मिला के 4 एलिमेंट हुए। इसी तरह से इस 2 के लिए भी ये 4 एलिमेंट होंगे, इस 3 के लिए भी 4 एलिमेंट होंगे और 4 के लिए भी 4 एलिमेंट होंगे, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास में 16 एलिमेंट होंगे जो कि इस कंडीशन को पूरा कर रहे होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज 16/36। 16 इतने 16 वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी इस कंडीशन को फेवर कर रहे हैं, और टोटल एलिमेंट्स तो 36 हैं ही सही। इसको आप चाहें यानी कि इस 16/36 यानी कि एक तरह से 4/9 जो है वो एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो तरीका है कि आप अपना सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, ठीक। कंडीशन क्या है कि दोनों डाइस पर जो है वो 4 या 4 से कम आना चाहिए। तो पहले डाई पर जो टोटल नंबर है जो 4 या 4 से कम है वो है 4, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी एक डाइस पे वो है 6। तो दोनों पासों पर अलग अलग 4 या 4 से कम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट है, और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। पहले डाइस पर 4 या 4 से कम आने की प्रायिकता 4/6, और दूसरे पे भी 4 या 4 से कम आने की प्रायिकता 4/6। This is the another way to find the probability when x is equals to 0. अब x is equals to 1 का मतलब है x is equals to 1 का मतलब है any one, मतलब एक तरह से one success. तो one success means क्या? That is anyone die show 4, right? Anyone die show 4. Anyone, right? कोई एक die जो है वो 4 दिखा रहा होगा, बाकी जो है वो 4 से छोटे नंबर हो रहे होंगे दूसरे वाले die पर, ठीक। तो अब look at that, ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में probability बनेगी वो क्या बन सकती है, उसके दो तरीके हैं फिर से। probability of x is equals to 1, अब आप ध्यान दीजिएगा, लुक एट दैट, आपके पास ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिसमें एक डाइस पर 4 हो और दूसरे वाले डाइस पर 4 से कम हो, ठीक है ना, यानी कि एक सक्सेस मिलने चाहिए। सो वन सक्सेस दैट इज एनी वन डाइस शो नंबर ग्रेटर देन 4,
राइट right? कोई एक नंबर जो है, यानी कि किसी एक डाई पर चार से बड़े नंबर आए और दूसरे वाले डाई पर चार या चार से छोटे नंबर आए, आई रिपीट, है ना। अब ऐसा दोनों डाइस के लिए होगा। लुक एट दैट, पहले वाले डाइस पर अगर हम ये नंबर्स ले लें, ये पांच और ये छह, तो दूसरे वाले डाई पर चार या चार से कम, तो एक तरह से 5-1 हमारा फेवर करेगा, 5-2 हमारा फेवर करेगा, 5-3, 5-4 भी हमारा फेवर करेगा। इसी तरह यहां पर 6-1 से लेके 6-4 तक, तो ये चार एलिमेंट, ये चार एलिमेंट, टोटल हो गए 8। अब ऐसे ही उल्टे उल्टे केस में भी काम होगा। कैसे? यानी कि दूसरे वाले डाई पर हमें यहां पर 5-6, 5 मिले, मतलब ये पोजीशन बदल जाए, आपस में उलट हो जाए, तो वो एलिमेंट्स भी यहीं पर होंगे, उनकी संख्या भी 8 होगी, तो टोटल मिलाकर 16 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो हमारी इस कंडीशन को पूरा कर रहे होंगे। सो वी हैव प्रोबेबिलिटी 16/36, यानी कि 4/9। इसी को ही आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करके। कैसा? आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वाले डाइस पर आपको सक्सेस मिले, दूसरे पे फेलियर मिले, प्लस पहले वाले पर आपको फेलियर मिले, दूसरे वाले पर आपको क्या मिले? सक्सेस मिले। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सक्सेस का मतलब है 2/6 और फेलियर का मतलब है 4/6, प्लस फेलियर का मतलब है 4/6 यानी कि 4 या 4 से कम, और सक्सेस का मतलब है 2/6 यानी कि 5 या 6 आना। तो आपके पास में यहां से भी अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास में प्रोबेबिलिटी है, दिस इज 8/36 प्लस 8/36, तो टोटल हो जाएगा 16/36, यानी कि यही चीज वापस आ जाएगी आपके पास में। ठीक, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये दोनों डाइस को हमने इंडिपेंडेंट लेते हुए निकाला है और दो स्थितियों में निकाला है, क्योंकि दोनों स्थितियां बन सकती हैं जो हमें फेवर करेंगी। एंड द लास्ट, When x is equals to 2 का मतलब है both die shows show number greater than 4, यानी कि दोनों डाइस पर 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 4 से बड़ा नंबर आने का मतलब है कि हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। अब कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें दोनों डाइस पर 4 से बड़े नंबर आए, तो यहां पर देखिए, यहां पर 4 से बड़े नंबर, देखिए जरा, यहां पर दो केसेस बन रहे हैं जिसमें कि आपको 1/5 और 1/6 ये आपका फेवर करेगा। फिर उसी तरह यहां पर जो है वो 2/5 और 2/6, यानी कि 4 केसेस हो गए टोटल। उसी तरह यहां पर 3/5 3/6, टूल मिला के 6 केसेस हो गए। यहां पर अगर सॉरी यहां पर एक सक्सेस मिल रही है ना हमको, तो दोनों ही डाइस पर जो है नंबर जो है वो 4 से बड़ा चाहिए, तो हमें केवल यहां पर सक्सेस मिलेगी। एक आपको 5/5 और 5/6 और इधर पर 6/5 और 6/6, कुल मिला के 4 एलिमेंट ऐसे होंगे जिन जो आपको फेवर करेंगे टोटल में से। और इसको चाहो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, क्या कि दोनों पर आपको सक्सेस सक्सेस मिले, तो ये कैसे मिलेगी? यहां पर मिलेगा आपको 2/2/6 और यहां पर भी मिलेगा आपको कितना 2/6, यानी कि पहले वाले पर भी आपको जो नंबर है वो बड़ा मिलना चाहिए, किससे? 4 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, दूसरे पे भी होगी 2/6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 4/36 जो आपको लेकर आना था, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 1/9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप चाहो तो अलग से लिख दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन मतलब जो एक्स की वैल्यूज हैं राइट, उनके साथ में आप उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दो। तो x की वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटीज निकली हैं, जब 0 वैल्यू थी तो आपको मिला है 4/9, जब 1 था तो भी 4/9, और यहां पे मिल गया आपको 1/9। सो ये आया है आपके पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि x का मतलब था सक्सेस और नंबर ग्रेटर देन 4।
तो इन नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब है किसी एक पर नंबर ग्रेटर देन 4 आता है तो आपको सक्सेस मिल जाती है। तो आपको कितनी सक्सेस मिल सकती थी? एक भी सक्सेस नहीं, एक सक्सेस मिल सकती थी यानी किसी एक डाइस पर आए नंबर 4 से बड़ा, या दो सक्सेस मिल सकती थी। तो अलग अलग केसेस में हमने निकाला, ठीक है ना, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आप लिख लीजिएगा 2 सक्सेस बेसिकली है, ठीक है ना। अब आइए जरा हम लोग इसका करते हैं सेकंड वाला केस। भाई जो सेकंड वाला केस है वो हमसे कह रहा है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, ठीक है ना। यानी कि जो 6 है, सक्सेस का मतलब है कि 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, यानी कि 6 कम से कम एक डाई के ऊपर शो हो तो हम उसको सक्सेस कहेंगे। तो यहां पर भी वही मतलब है, x की जो वैल्यूज है हम उसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या 5 का ये सेकंड पार्ट है, तो लेट x मींस सक्सेस, राइट, सक्सेस, और सक्सेस का मतलब है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, ठीक है ना। तो अब ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को एक भी सक्सेस ना मिले, मतलब कि 0 सक्सेस, और 0 सक्सेस का मतलब है कि बोथ डाइस शो नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। दोनों ही पांसों पर हमें 6 से कम संख्या मिले, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख देते हैं 0 सक्सेस मतलब बोथ डाई शो नंबर लेस देन 6, यानी दोनों पर हमें 6 से कम संख्याएं मिले। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी है px इज इक्वल्स टू 0 के लिए, मतलब कोई सक्सेस ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई कोई भी सक्सेस ना मिले इसके लिए हमारे पास में जो टोटल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? आप उन केसेस को हटा दीजिए जिनमें कि 6 आता है किसी ना किसी डाइस पर, ओके। तो 6 के करस्पॉन्डिंग पहले डाइस पर अगर 6 हो तो आपके पास में कुल मिलाकर 1 से ले दूसरे डाइस पर 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो कुल मिलाकर आपके पास में ये 6 केसेस हो गए, और फिर उसके बाद में आपके पास में ऐसे 6 केसेस हो गए, और ऐसे ही 5 केसेस बनेंगे जिसमें पहले दूसरी पोजीशन पे 6 आएगा और पहली वाली पोजीशन पे जो है वो 1 से लेकर आपके पास में 5 तक अंक आ जाएंगे, क्योंकि 6-6 तो आ गया है। तो ऐसे कुल मिलाकर आपके पास में जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? वो आपके पास में होंगी कुल मिलाकर 11। कितनी होंगी टोटल? 11। आई रिपीट, इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो होंगी 11, जिनमें कि आपको 6 या तो किसी एक पासे पर या दोनों पासों पर आएगा। तो 36 में से 11 हटा दें तो कुल मिला के 25 ऐसे सैंपल एलिमेंट्स होंगे जिनमें आपको 6 किसी भी पासे पर नहीं मिलेगा। आई रिपीट, 6 आपको किसी भी पासे पर नहीं मिलेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इस केस में 25/36। इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। 0 सक्सेस मतलब पहले वाले पर भी फेलियर और दूसरे वाले पर भी फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी पहले डाइस पर फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/6, और दूसरे पर भी 5/6, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/36। ये एक तरीका और है। फिर x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 सक्सेस। तो 1 सक्सेस का मतलब है एनी 1 डाई शो 6, यानी कोई एक डाई जो है वो 6 को शो करे। तो एनी 1 डाई कैन शो 6 का मतलब ये है कि आपके पास में जो एक सक्सेस के लिए फेवरेबल केसेस होंगे वो टोटल होंगे 10, और टोटल होंगे 36, क्योंकि पहले पर 6 हो तो आपके पास में कुल मिला के 1 से लेकर आप 5 तक ले जा सकते हो। दूसरे पर 6 हो तो 1 से लेकर 5 तक ले जा सकते हो, यानी एक सक्सेस की कंडीशन में आपके पास 10 फेवर करेंगे केसेस जो आपकी इस कंडीशन को फेवर कर रहे हैं। और इसी को ही आप चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, कैसे, कि पहले पर सक्सेस दूसरे पर फेलियर, प्लस पहले पर फेलियर दूसरे पर सक्सेस।
तो सक्सेस का मतलब है 1/6, फेलियर का मतलब है 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6। टोटल अगर आप इसको करें तो ये हो जाएगा 5/36 प्लस 5/36, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास में आ जाएगा ये 10/36। तो ये सेकेंड केस हो गया, यानी एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर x इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2 सक्सेस, यानी कि दोनों कॉइन्स पर, दोनों टॉसेस में, दोनों डाइस पर 6 आए। तो 2 सक्सेस का मतलब ये है बोथ डाई शो 6, यानी दोनों पासे 6 को प्रदर्शित करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी x इज इक्वल टू 2 के लिए 1/36। क्यों? क्योंकि दोनों पासों पर 6 आए, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 इंटू 1/6 होगी। एक ही कंडीशन होगी इस, जो इसको फेवर करेगी। तो पहले पासे के लिए प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरे के लिए 1/6, टोटल 1/36। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी यहां पर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। तो 6 जो है वो हमसे कहता है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। एक लॉट है जिसमें कि 30 बल्ब हैं और उन 30 में से 6 जो है वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब खराब है, त्रुटिपूर्ण है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि 6 उन 30 बल्बों में से 4 बल्ब को सिलेक्ट किया जाता है, बहुत बढ़िया, विथ रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट भी कर दिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है किसके लिए? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। तो आइए जरा हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो लुक एट दैट, ध्यान दीजिएगा जरा यहां पर कि लेट, हम यहां पे लिखते हैं लेट एक्स इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और क्योंकि 4 बल्ब्स हमें लेने हैं तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो हो सकती है 0, 1, 2 और 3 और 4 हो सकती है, क्योंकि 4 बल्ब लेने हैं तो हमें हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना मिले, एक मिले, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, ऐसी 4 कंडीशंस बन सकती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हाट? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, अगर मान लीजिए हम एक बल्ब निकालते हैं तो उस एक बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल्स टू टोटल बल्ब डिफेक्टिव कितने हैं? 6, और टोटल बल्ब है हमारे पास में 36। तो हमारे पास में डिफेक्टिव बल्ब आएगा एक बार अगर कोई निकाला बल्ब हमने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी? दिस इज 1/6। और उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक, नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 6 अगर डिफेक्टिव हैं 30 में से तो हमारे पास बचे 24, राइट, सॉरी यहां पे 30 आएगा ना, दिस इज 30, तो दिस इज 1/5 हो जाएगा, राइट, और यहां पर आपके पास में 30 हैं टोटल, ठीक है, और 24 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? यहां पर आ जाएगा ओके 4/5, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा एक ट्रायल में, आप चाहो तो इसको समझ लीजिए, व्हेन सिंगल बल्ब टेकन, यानी कि एक बल्ब जब लिया जाता है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने यहां पर निकाल ली है। अब लुक एट दैट, अब उसने हमसे पूछा है किसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक्स की वैल्यू जब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को शो करे। तो जो 4 बल्ब हम निकाल रहे हैं उनमें एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी,
एक बल्ब डिफेक्टिव हो इसकी प्रोबेबिलिटी, दो बल्ब डिफेक्टिव हो इसकी प्रोबेबिलिटी, तीन बल्ब डिफेक्टिव हो इसकी प्रोबेबिलिटी, चार बल्ब डिफेक्टिव हो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए यहां पर है ना सैंपल स्पेस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार बल्ब हम ले रहे हैं। सो बच्चों, हमने यहां पर यह तो निकाल लिया कि डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉन डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा उसको जरा समझिएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जब हम उन चार बल्बों को निकालें तो उनमें एक भी जो है वो डिफेक्टिव ना हो, एक एक करके निकाल रहे हैं बारी बारी से, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी चारों ही बार हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, सक्सेस का मतलब, अच्छा एक्स का मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि कोई डिफेक्टिव बल्ब हमें नहीं मिलना चाहिए, यानी कि हमें हर बार जो है वो इस वाली कंडीशन का फेस करना है, मतलब पहली बार में नॉन डिफेक्टिव निकले, दूसरी बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरी बार में नॉन डिफेक्टिव, चौथी बार में नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकले। तो ये सब क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि चारों बार आपको नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकले, इसलिए आप पहली बार में आपको 4/5, दूसरी बार में आपको 4/5, तीसरी बार में आपकी प्रोबेबिलिटी 4/5 और चौथी बार में भी 4/5 मिलनी चाहिए। लुक, और ऐसी जो इवेंट है वो केवल एक ही बार हो पाएगी, कितनी बार हो पाएगी, एक ही बार हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4C0 का। 4C0 का मतलब यह है कि जो आप चार बल्ब निकाल रहे हैं उन चार बल्बों में से कितने डिफेक्टिव हैं, उनका कॉम्बिनेशन, राइट, उनका कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये बहुत आसान है, ये तो सही चीज है, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन अगली बार में आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्यों लिखा है हमने। तो जब 4C1 का मतलब एक्चुअल में 1 ही होता है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 × 16 256 होता है, तो दिस इज 256/6 25, और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो आंसर आ जाएगा 256/6 25। अब लुक एट दैट, अब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है एक डिफेक्टिव बल्ब निकले उन चार बल्बों में से, लेकिन चार बल्बों में से कौन सा वाला बल्ब डिफेक्टिव निकलेगा ये तो हम कैसे, ये कैसे कह सकते हैं। हो सकता है पहली बार में निकला है बाकी तीन में ना निकले, हो सकता है दूसरी बार में निकला है लेकिन पहली और तीसरी चौथी में ना निकले, तो ये एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी बन गया अपने आप में, यानी कि हमें वो केसेस, वो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, बताने हैं, निकालने हैं जिनमें हमें एक डिफेक्टिव बल्ब निकले। तो ऐसे जो टोटल केसेस होंगे जिसमें कि हमें चार में से एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, वो कॉम्बिनेशन बनेंगे 4C1, और क्योंकि एक डिफेक्टिव है बाकी नॉन डिफेक्टिव है, तो एक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/5, और बाकी तीन नॉन डिफेक्टिव हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5 raised to the power 3, 4/5 4/5 4/5, तीन बार लिखने से अच्छा है मैंने ऐसे लिख दिया है। लेकिन मेन इसमें यह था कि भाई ये तो पता है कि तीन आपको नॉन डिफेक्टिव एक डिफेक्टिव निकलना है, लेकिन कौन से नंबर पे वो निकलेगा, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनमें एक डिफेक्टिव हो और तीन नॉन डिफेक्टिव हो, उनकी संख्या होगी 4C1। सो दिस इज इक्वल्स टू 4C1 का मतलब होता है 4, और ये हो जाएगा आपके पास में कुल मिला के × 64 एंड डिवाइड बाय आपका ये आ गया 625 × 25, ये हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू अगेन 256/625, ठीक, यानी कि एक सक्सेस मिले आपको, सॉरी एक डिफेक्टिव बल्ब मिले उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 256/625। इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, यानी तीन डिफेक्ट, सॉरी दो करेंगे ना पहले, तो जब दो डिफेक्टिव बल्ब मिले चार में से उसकी प्रोबेबिलिटी होगी दिस इज इक्वल्स टू 4C2, और दो डिफेक्टिव हैं यानी कि 1/5 raised to the power 2, और दो नॉन डिफेक्टिव हैं यानी कि 4/5 raised to the power 2।
दिस इज इक्वल्स टू 4C2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 और नीचे तो आ जाएगा आपका 625 और ऊपर आ जाएगा 16। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे जब आप 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में ये 16 इंटू 6, सो 16 इंटू 6 जब आप करेंगे तो दिस इज 96, तो 96 डिवाइड बाय 625 आ जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आई है जब आपको दो डिफेक्टिव बल्ब मिले, लेकिन वो दो डिफेक्टिव बल्ब किस क्रम में मिलेंगे ये हमें नहीं पता था, तो चार में से दो बल्ब डिफेक्टिव हो इसके लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं वो हमने निकाले 4C2 की मदद से और उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर केस में इतनी प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी, ठीक है, जितने भी वो कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे। उसी तरह Px is equals to 3, यानी कि तीन डिफेक्टिव बल्ब्स हमें मिले, ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 4C3। अब तीन डिफेक्टिव हैं यानी कि 1/3 की पावर 3 और यहां पर आ जाएगा 4/5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4C3 का मतलब होता है 4 और दिस इज ऊपर आ जाएगा बेटे 4/625, ऊपर तो 4 आएगा और नीचे 625 हो जाएगा, तो दिस इज 16/625 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4, यानी कि चारों के चारों डिफेक्टिव बल्ब हो तो वो हो जाएगा 4C4 एंड 1/5 रेस्ट टू द पावर 4 एंड बाकी आपको एक भी नॉन डिफेक्टिव तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहां पे 4/5 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 1 और ये हो जाएगा 1/625। सो आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी आई, सो देयरफॉर बच्चों यहां पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता बंटन जो है वो आपके पास में आ जाएगा, एक्स की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और 4 और उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आई हैं आपके पास में, आई हैं 256 डिवाइड बाय 625, फिर 1 के लिए भी आपके पास में 256 डिवाइड बाय 625, 2 के लिए भी जो आपके पास में आई है वो 96 बाय 625 और 3 के लिए आपके पास 16 बाय 625 और 4 के लिए 1/625। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि या तो सैंपल स्पेस बनाइए भाई कि भाई आपको कब नॉन डिफेक्टिव मिलेंगे और कब डिफेक्टिव मिलेंगे, तो कितने केसेस में डिफेक्टिव मिलेंगे कितने केसेस में नॉन डिफेक्टिव मिलेंगे, या तो उसके लिए सैंपल स्पेस बनाइए, लेकिन वो सैंपल स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उस सैंपल स्पेस में वो 625 होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 30 में से आपको 4 चुनने हैं कुल मिलाकर, तो इट्स वेरी लार्ज, तो उसको ना करते हुए हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे इस टेक्निक से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ और उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमने कॉम्बिनेशन यानी कि संचय का इस्तेमाल भी किया है, हालांकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगली एक्सरसाइज में होना चाहिए था, लेकिन ठीक है यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों वो हमसे कहता है द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px of the following form where k is some number, और हमें px कुछ दे दिया है इस तरह से, क्या दे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें, गिवन है px is equals to k दे दिया है when x is equals to 0, हमें दे दिया है 2k when x is equals to 1, हमें दे दिया है 3k जब x इज इक्वल्स टू कितना हो 2 हो, और हमें दे दिया है 0 अदरवाइज, राइट, यानी कि इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वहां पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले तो k की, तो आपको ये पता है, क्या पता है कि बिकॉज समेशन ऑफ px इज इक्वल्स टू x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 2 तक है, तो इट इज 0 प्लस p1
प्लस पी टू एंड डैश डैश, इन सब की वैल्यूज का सम जो है वो होता है 1। अब इसकी वैल्यू है k प्लस इसकी वैल्यू है 2k प्लस इसकी वैल्यू है 3k, दिस इज इक्वल्स टू 1। टोटल मिलाकर हो गया 5, 6, यानी कि k इज इक्वल्स टू आ गया 1/6। तो ये तो आ गई k की वैल्यू, उसके लिए बस ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसके बाद में जो तीन चीजें और उसने कहा है, क्या कहा है कि b में उसने कहा है, पहला प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2, व्हेन x इज लेस देन 2, तो जब x की वैल्यू लेस देन 2 का मतलब यह है कि वो आपसे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 कहना चाह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 पर इसकी वैल्यू है k और 1 पर इसकी वैल्यू है 2k, प्रोबेबिलिटी दोनों मिलके हो जाएंगे कितना, दोनों मिलके हो जाएगा ये आपका 3k, और k की वैल्यू आई है 6, तो दिस इज इक्वल्स टू 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। फिर उसने कहा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। सभी को अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों मिलके हो जाएंगे कितना 6k, दिस इज इक्वल्स टू 6k, सभी की वैल्यू ये k, ये 2k और ये 3k, तो 6k, और यहां पर जब आप k की वैल्यू लिख देंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 6/6 यानी कि 1। और लास्टली व्हेन x इज व्हाट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में आ जाएगा कितना आपका p व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 और प्लस p व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो इन सभी केसेस में जब x की वैल्यू इन तीन के अलावा हो तो px बराबर 0 है, तो ये तो हो गया आपका 0 और x इज इक्वल्स टू 2 पर था आपके पास में 3k, इसमें जब आप k की वैल्यू लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा आपके पास में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट केसेस, और आपने k की वैल्यू भी निकाली। तो यहां पर बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ, उसमें सबसे पहले k निकालना है तो उसके लिए इन सबको सम करना पड़ेगा और इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नियम भी है। k जैसे ही आ जाएगा तो फिर अलग अलग कंडीशंस में आप k प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे, है ना। बाकी निकालना कैसे है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। नाउ बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है वो, और तीन कॉइन को 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, और एक कॉइन को 3 बार टॉस करने हैं, राइट। तो आपको ये पता है कि जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनता है, और उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या बनता है, क्योंकि हम मीन तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, वो जरा मैं थोड़ा शॉर्ट में निकालूंगा बिकॉज इससे पहले भी हम इसके ऊपर कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ कॉइन 3 टाइम्स, यानी एक कॉइन को 3 बार टॉस करने से बना सैंपल स्पेस वो होगा एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी और टी 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 एच टी टी एच और टी टी टी, दिस इज द सैंपल स्पेस। हम लोग मान लेते हैं, माना लेट x का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स इन इन अ ट्रायल, यानी एक बार मतलब 3 कॉइंस को जब एक बार फेंक लिया जाता है, तो अगर इसको हम एक ट्रायल माने तो एक ट्रायल में नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है कौन, x डिनोट करता है। तो
तो जब x की वैल्यू जीरो होगी, हम डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x. तो x के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिकली जब x की वैल्यू हमें पता हो और उसके करस्पॉन्डिंग फिर px. आपको पता है क्योंकि तीन कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो जो x की वैल्यू है, एक ये मतलब हो सकता है कि आपको एक भी हेड ना मिले, एक हेड मिले, दो हेड मिले, तीन हेड मिले. तो जो x की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है और थ्री हो सकती है मैक्सिमम. अब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू जीरो का मतलब है जब एक भी हेड ना मिले. तो एक भी हेड आपको कब नहीं मिलता है, जब आपको टी 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 मिले. तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं सैंपल स्पेस में जिनमें आपको एक भी हेड नहीं मिलता है, वो है उनकी संख्या है एक. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस एस में, आठ. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8. अब आप वो एलिमेंट्स ढूंढिए जिनमें एक हेड आया है, यानी एक बार हेड आया है, तो उनकी संख्या हो जाएगी कितनी, एक, दो और ये तीन. कुल मिला के तीन ऐसी घटनाएं जिनमें एक हेड आया है. टोटल घटनाएं हैं आठ, सॉरी टोटल एलिमेंट्स हैं आठ. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8. उसी तरह दो हेड आने के लिए भी आपके पास में जो फेवरेबल केसेस हैं वो है एक, दो, तीन. तीन है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 3/8. और फाइनली आपको तीनों हेड मिल जाएं, इसके लिए एक ही एलिमेंट आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8. फाइनली डिस्कशन हमने किया है डिटेल में कि ये आता कैसे है, मैंने यहाँ पर जल्दी लिखा है, ऐसा आप भी कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमें मीन निकालना था, ठीक. सो नाउ मीन फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स. तो रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए मीन को डिनोट करते हैं हम म्यू से, और उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन, और यहां पर आता है आपका एक्स आई और यहां आता है पी एक्स आई. यानी कि हमें यहां पर मिलेगा एक्स वन पी वन, एक्स टू पी टू, एक्स थ्री पी थ्री और एक्स फोर पी फोर तक, ठीक है. ये हमारा होगा एक्स वन, ये होगा सॉरी ये होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये होगा पी वन पी टू पी थ्री पी फोर. अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करिए तो आपको मिल जाएगा 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 एंड प्लस 3 × 1/8. ये हो गया मीन के लिए फॉर्मूला और उसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना. अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज 3/8 प्लस ये हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा आपका 3/8. सभी का जो एलसीएम है वो आएगा 8 और ऊपर के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 9 और ये आपका 9 और 3 12, यानी कि दिस इज 12/8 बेसिकली 12/8. और जब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो इट बिकम आपके पास में ये आ जाएगा 1.5. तो जो मीन वैल्यू है जब आप तीन कॉइन्स को टॉस करें एक साथ या एक कॉइन को तीन बार टॉस करें और इसे एक ट्रायल माने, तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए मीन निकालना आपको था इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले आप इसमें नंबर ऑफ हेड्स के लिए एक्स मानेंगे, फिर x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन याद करेंगे और उस प्रायिकता बंटन की मदद से जो यादृच्छिक चर x है उसके लिए माध्य की वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, जो आपने डिस्कस भी किया है, ठीक. तो ये यहां पर हम लोगों ने माध्य निकाला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे वो कहता है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x. यानी अगर x जो है वो नंबर ऑफ सिक्स को डिनोट करता है, 6 को डिनोट करता है, तो हमें 6 के लिए एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन निकालना है. एक्सपेक्टेशन मतलब मीन ही निकालना होता है बेसिकली, जिसको ex से डिनोट करते हैं. तो आइए सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, लुक एट दैट, 11th है ये. तो आपको पता है कि व्हेन
टू डाइस आर थ्रो या टॉस आर टॉसेस आर टॉसेस देन देन एन एस इज इक्वल्स टू 36 देन एन एस इज इक्वल्स टू 36 तो एन एस की संख्या कितनी हो जाएगी 36। अब जरा ध्यान दीजिएगा नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब मैं यहां पर इस तरह से ना लिखते हुए इस तरह से लिखता हूं लेट x का मतलब है लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिक्सेस ऑन डाइस यानी कि 6 की संख्या कितनी है डाइस पर अब क्योंकि दो ही डाइस फेंके जा रहे हैं तो दो डाइस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू यानी कि 6 की संख्या कितनी हो सकती है x की वैल्यू 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है यानी कि एक भी 6 ना आए एक 6 आए या दो 6 आए ठीक है ये तीन कंडीशन है पॉसिबल है सो देयरफॉर अब अगर मैं आपसे पूछूं सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 यानी एक भी 6 ना आए दोनों पासों पर एक भी 6 ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो जरा ध्यान दीजिएगा ये क्योंकि दोनों पासों पर नंबर्स आना ये अपने आप में स्वतंत्र घटनाएं हैं ठीक है इसलिए एक भी 6 ना आए पहले पासे पर तो 6 को छोड़ के जो संख्याएं बची 5 तो वो 5 एक से लेके 5 तक अगर कोई भी आएगा तो 6 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पासे पर अगर 5/6 आए और दूसरे पासे पर भी 5/6 आए प्रोबेबिलिटी तो ऐसी स्थिति में आपको एक भी 6 नहीं मिलेगा क्योंकि 6 को अगर हटा दें तो कुल मिला के 5 संख्या बनती है मतलब वो 5 आ जाएं पहले पासे पर भी और दूसरे पर भी तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली 25/36 यानी कि 25 अवयव एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें किसी भी साइड पर 6 नहीं आएगा किसी भी डाइस पर 6 नहीं आएगा सिमिलरली आगे बढ़ते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी 6 कम्स ऑन 1 डाइस यानी किसी एक डाइस पर 6 आए तो ये कब कब पॉसिबल है जब पहले डाइस पर आए दूसरे पे ना आए प्लस दूसरे पर आए पहले पे ना आए तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज आप इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले पर 6 इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट 6 प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट 6 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग चीजें हो गई ना भाई 6 किसी एक पर आए तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले पे आए दूसरे पे ना आए या फिर दूसरे पर आए पहले पे ना आए तो पहले पर आया तो दूसरे पे नहीं आना चाहिए और दूसरे पर अगर नहीं आया पहले पे नहीं आया तो दूसरे पर आना चाहिए इनको आप सम कर दीजिए तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेसिकली 1/6 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 प्लस 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 और आने की हो जाएगी 1/6 तो ये हो जाएगा कुल मिला के 10/36 प्रोबेबिलिटी एंड सिमिलरली पी x इज इक्वल्स टू 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ डाइस शो 6 यानी दोनों ही पासों पर 6 आए इसकी प्रोबेबिलिटी सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पहले पासे पर भी 6 आए दूसरे पासे पर भी 6 आए स्वतंत्र घटनाएं थी इसलिए दोनों के लिए अलग-अलग प्रोबेबिलिटी 6 आने की मल्टीप्लाई कर दी सो दिस इज इक्वल्स टू 1/6 into 1/6 is equals to 1/36 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो आप यहां पे लिख दीजिए सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता बंटन तो प्रायिकता बंटन क्या बन जाएगा बच्चों x और ये px x की वैल्यू 0 हो सकती है 1 हो सकती है और 2 हो सकती है जब 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी 25/36 और जब एक होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी 10/36 और जब दोनों 6 आएंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/36 क्योंकि दोनों पर 6-6 आ जाए तो 6-6 एक ही एलिमेंट होता है पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में इन 36 में से
इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। नाउ उसने हमसे कहा था एक्सपेक्टेशन फॉर एक्स, तो ई एक्स बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि माध्य जो है वो हमारे पास में आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई और पी आई। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। अब आप इनको सिंप्लीफाई करिए, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 10/36 प्लस वो हो जाएगा 2/36, टोटल मिलके हो जाएगा बच्चों आपके पास में 12/36, और इस 12/36 का मतलब है 1/3। तो यहां पर जो माध्य या एक्सपेक्टेशन की वैल्यू जो आई है वो आई है 1/3 फॉर क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि 2 500 को एक साथ फेंकना था और 500 में हमने एक्स यानी रैंडम वेरिएबल माना था 6 की संख्या, नंबर ऑफ सिक्सेस ऑन द डाइस। तो यहां पर 3 ही संभावनाएं थी, एक भी 6 ना आए दोनों पासों पे, किसी एक पर आ जाए या दोनों पर आ जाए। तो दोनों के तीनों की कंडीशन में हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली, प्रायिकता बंटन बनाया और फिर उसके बाद में फाइनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि माध्य निकाल लिया, ठीक है, तो वो जो 1/3 आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी यहां पर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 पर और पढ़ते हैं उसे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, इट मींस कि हमें दो अंकों को चुनना है बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि वापस नहीं रखना है उस अंक को दोबारा उसी ग्रुप में। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, शुरुआत के जो 6 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनमें, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनमें से कोई दो अंक हमें चुनना है ना, एक चुनना है फिर दूसरा चुनना है और पहले को वापस नहीं रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर, और एक्स जो है जो आपने नंबर चुने हैं उनमें से बड़े नंबर को व्यक्त करता है, सिंपल एज दैट। टू नंबर्स ऑब्टेंड, फाइंड ई एक्स, तो हमें ई एक्स यानी कि एक्स के लिए मीन ज्ञात करना है, लेकिन एक्स के लिए मीन हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हम एक्स के लिए पहले तो ये डिसाइड कर लें कि एक्स की संभावित वैल्यूज, उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, और उन पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालें, तब जाके हम ई एक्स निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रायिकता बंटन ज्ञात करते हैं और उससे पहले एक्स की संभावित वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना, या फिर सबसे पहले लिखेंगे क्या, 6 अंकों में से 2 अंक चुनने बिना प्रतिस्थापन के, ठीक है ना, बिना प्रतिस्थापन चुनने के कुल तरीके क्या क्या तरीके, कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कि एक तरह से ये NS है, ओके। दिस इज इक्वल्स टू 6, आपने 6 में से 1 अंक चुना, ओके, 6 ऑप्शन रहेंगे पहली बार में, फिर आपने उसको वापस नहीं रखा है तो आपके पास में अब 5 ऑप्शन बचे, 5 अंक बचे, तो उनमें से 5 चुनना है, तो 6 × 5 यानी कि कुल मिलाकर आपके पास में जो ऑप्शन होंगे वो 30 ऑप्शन होंगे, कुल ऑप्शन यानी कि उन 6 में से 2 अंकों को चुनने के कुल तरीके 30 होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेट एक्स डिनोट लार्जेस्ट ऑफ 2, यानी कि माना कि एक्स जो है वो उन 2 में से बड़े अंकों प्रदर्शित करता है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि भाई 1 से लेके 6 तक के अंक है ना और 2 अंक चुन रहे हैं, तो सबसे छोटे अंक अगर हम चुने 1 और 2, भाई क्योंकि 1 को वापस तो रख नहीं सकते हैं तो 1 चुन लिया, अब दूसरा जो अंक है वो अगर सबसे छोटा आया तो 2 आ सकता है, यानी कि
इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, तो बड़ा नंबर दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है। बड़ा नंबर एक भी हो सकता था अगर हम उस पहले वाले अंक को जो हमने चुना है उसको वापस उन छह में मिला देते, लेकिन हम मिला नहीं रहे हैं, इसलिए जो एक्स की पॉसिबल वैल्यू है वो दो से शुरू होकर छह तक जा सकती है। ठीक, तो ये तो हो गई एक्स की वैल्यूज जो हम लोगों को पहले निकालना था। अब इन एक्स की वैल्यूज के लिए हमें प्रायिकता निकालनी है, तो आइए जरा वो प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। लुक, अब एक्स बराबर दो के लिए संभावित प्रेक्षण, इसका मतलब यह हुआ कि अगर x का मान 2 है यानी बड़ा अंक 2 है, तो उसके लिए जो दो अंकों के कॉम्बिनेशन बनेंगे यानी कि संचय बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है। भाई बड़ा नंबर आप 2 कह रहे हो तो छोटा नंबर फिर कौन सा हो सकता है, एक ही हो सकता है, क्योंकि आप 1 से लेकर 6 तक के ही अंक चुन सकते हो ना। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, पॉसिबिलिटीज ये होंगी कि पहला अंक आपका 1 हो, दूसरा अंक 2 हो, या फिर एंड पहला अंक 2 हो और दूसरा अंक 1 हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। ठीक, सो देयरफॉर सो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू कितने पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास, 2, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 30, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/30 यानी कि 1/15। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, इसी तरह से अब सबके लिए बनाएंगे। कैसे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, मतलब जो भी दो नंबर आप चुन रहे हैं उनमें अगर बड़ा नंबर 3 है तो देन पॉसिबल केसेस क्या क्या केसेस बन सकते हैं। केस ये बन सकता है कि भाई आपको 3-1 मिल जाए, पॉसिबल ये हो सकता है कि आपको 3-2 मिल जाए, ठीक है, और पॉसिबल हो सकता है कि आपको 2-3 मिल जाए, या आपको एंड आपको 1-3 मिल जाए, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा 3 ही रहेगा, तो उसके साथ जो होगा वो 3 से छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि x को चुना ही इस तरह गया है कि x इज इक्वल टू 3, लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर। तो ये चार केसेस बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4/30 यानी कि 2/15। सिंपल। अब इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन पॉसिबल केसेस। तो पॉसिबल केसेस क्या बन सकते हैं, आपको 4-1 मिल जाए, आपको 4-2 मिल जाए, आपको 4-3 मिल जाए, आपको 3-4 मिल जाए, आपको 2-4 मिल जाए, एंड आपको 1-4 मिल जाए, है ना, क्योंकि क्रम भी इंपॉर्टेंट है ना। आपने पहला अंक निकाला, दूसरा, तो हो सकता है आपको 4-1 मिले, 4-2 मिले, 4-3 मिले, हो सकता है आपको 3-4 मिल जाए, आपको 2-4 मिल जाए, आपको 1-4 मिल जाए, यानी कि 4 बड़ा मिलेगा उसके लिए ये संभावनाएं बन सकती हैं। तो कुल मिला के कितनी संभावनाएं हैं, 6 हैं। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू, ये कुल मिला के 6 संभावनाएं हैं, तो 6/30, ठीक है ना, यानी कि आपको मिल जाएगा 3, ओके, यहां पर आप चाहें तो कैंसिल कर दें इसको, जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/5. इसी प्रकार जब x बराबर 5 यानी बड़ा अंक 5 हो, तब संभावित प्रेक्षण, तो संभावित प्रेक्षण क्या क्या हो सकते हैं, प्रेक्षण यहां पर इस तरह से, तो संभावित प्रेक्षण क्या क्या हो सकते हैं, यहां पर भी सही कर लीजिएगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो बन सकते हैं, तो संभावित प्रेक्षण बन सकते हैं कि आपको 5-1 मिल जाए, आपको 5-2 मिल जाए, आपको 5-3 मिल जाए, आपको 5-4 मिल जाए, आपको 4-5 मिल जाए, आपको 3-5 मिल जाए, आपको 2-5 मिल जाए, एंड हो सकता है आपको
एक पांच मिल जाए, तो कुल मिला के कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, कुल मिला के आपके पास में हो गए हैं 8 ऑब्जर्वेशन जो इस कंडीशन को संतुष्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 8/30। और जब आप इसको कैंसिल कर देंगे किससे, आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट 4/15, तो ये आपके पास में आ जाएगा। इसी प्रकार एंड व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 6 देन पॉसिबल केसेस, तो पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे, तो पॉसिबल केसेस बनेंगे कि आपको 6-1 मिल जाए, आपको 6-2 मिल जाए, आपको 6-3 मिल जाए, आपको 6-4 मिल जाए, आपको 6-5 मिल जाए। हो सकता है आपको 5-6 मिले, हो सकता है आपको 5-4 मिले, हो सकता है आपको आपको 4-6 मिल जाए, हो सकता है आपको 3-6 मिल जाए, हो सकता है आपको 2-6 मिल जाए, हो सकता है आपको 1-6 मिल जाए। यानी कि कुल मिलाकर आपको यहां पर जो संभावित परिणाम दिख रहे हैं उनकी संख्या है 10। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो ये आ जाएगा 10/30 यानी कि 1/3। तो ये आया आपके पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक्स की वैल्यू के लिए उसकी प्रायिकता आ गई है। अब उसने उससे आपसे कहा क्या था, आपको निकालना था ई एक्स यानी कि मीन। तो सबसे पहले तो आप यहां पर लिख दीजिए क्या, सो देयरफॉर ओके, मैं थोड़ा सा और यहां पे जगह लूंगा, ओके ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा हो सकता है लिखना पड़ जाए। तो एक काम करिएगा बच्चों कि x की वैल्यू के लिए जो पी एक्स है वो तो आपके सामने दिख ही रहा है, तो आप एक काम करिएगा यहां पे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख दीजिएगा, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। यहां x लिख दीजिएगा, यहां पी एक्स लिख दीजिएगा, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वो आप देख के लिख लीजिएगा। नाउ जो एक्सपेक्टेशन है यानी कि e ऑफ x है, उसका मतलब है कि आप i इज इक्वल्स टू 1 to n, जो भी आपका n है, यहां पर x की वैल्यू 6 तक जा रही है तो आप 6 ले लीजिए, यहां पे आप x i में p i का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी आएगा उसमें x की वैल्यू और उसके साथ में संगत जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले x की वैल्यू 2 थी तो 2 में 1/15 यानी 2 × 1/15 प्लस 3 × 2/15 प्लस 4 × 1/5 प्लस 5 × 4/15 प्लस 6 × 1/3 आ जाएगा। क्लियर नाउ। अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भैया एलसीएम तो मुझे दिख रहा है कि सबका 15 आएगा और ऊपर आ जाएगा इसमें 2 प्लस यहां पर आ जाएगा 6 प्लस यहां पर आ जाएगा आपका ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस ये आ जाएगा 20 प्लस ये आपका आ जाएगा 30, ठीक है ना, 5×6=30, 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये 30 हो गया, एलसीएम सबका 15 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करिए, ये 50 हो गया और ये 60 और 62 68 और ये 70, तो 70/15 आएगा। और जब आप इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा यहां पर तो मिल जाएगा आपको कितना, यू विल गेट 14, यहां पे 14 और यहां पर 3, तो आपके पास में जो आंसर है वो आएगा 14/3। तो इस क्वेश्चन के लिए जिसमें कि हमें दो नंबर चुनना था और x हमने उन दोनों में से बड़े नंबर को माना था, तो हमने हर x की संभावित वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाली। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली कि वो जो बड़ा अंक आ रहा है उस बड़े अंक के लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन बन सकते हैं, जो जो चीजें बन सकती थी वो हमने कॉम्बिनेशन बनाया और फिर वो कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 अंकों के जो बन सकते थे हमने वो बना दिए, तो वो हमारे पास में 30 थे और सबकी प्रोबेबिलिटी हमने उसके अनुसार निकाल ली, ठीक है ना। अगर आपको डाउट हो कि आप सही हैं कि नहीं हैं, तो आप बस एक काम करिएगा, आप
ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन को चाहो तो टोटल करके देख लो, मुझे लगता है कि इनकी संख्या भी 30 हो जाना चाहिए। तो देखो ये 10 और 8 18 और ये 24 और ये 28 और 2 30 हो गए बराबर। तो इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे बस, और उनके लिए जो मीन है वो हमने इस ई एक्स के जो फॉर्मूला है उससे निकाल लिया, एंड दिस इज 14/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेंड व्हेन टू फेयर डाइज आर रोल्ड, फाइंड द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में दो पांसे फेंके जाते हैं और जो भी अंक आते हैं उनके योग को हमने एक्स से डिनोट कर दिया है। बहुत बढ़िया। हमें इस एक्स के लिए वेरियंस यानी कि प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन ज्ञात करना है। तो वो हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी कि प्रायिकता बंटन हो, और उसके लिए एक्स की संभावित वैल्यू और फिर उनकी प्रायिकता हमें पता होना चाहिए। तो इसी प्रश्न की तरह वो काम भी हमको करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ये काम। लुक एट दैट, ध्यान दीजिएगा कि इसको करने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो ये 13 क्वेश्चन, और हम लोग शुरुआत में लिख देते हैं लेट x इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स ऑफ टू डाइस, यानी दो पांचों के अंकों का योग है x, ठीक है ना। व्हेन टू डाइस आर tosses, then possible values of x। तो जब दो पांसों को फेंका जाएगा तो उनका जो योग है यानी कि जो x है उसकी possible values क्या क्या हो सकती हैं? भाई दो पांसों पर एक से लेकर छह तक अंक आ सकते हैं, है ना, और एक पांसे पर एक से छह तक। तो दो पांसों पर अगर हम देखें तो योग जो है वो एक एक अगर अंक आए तो दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। इट मींस दैट कि x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, छह हो सकती है, सात हो सकती है, आठ हो सकती है, नौ हो सकती है, दस हो सकती है, ग्यारह हो सकती है, बारह हो सकती है, क्योंकि न्यूनतम एक एक आ सकता है यानी दो सम आएगा, और अधिकतम छह छह आ सकता है यानी कि बारह योग आ सकता है। तो अब हमें x की जो वैल्यूज हैं वो 2 से लेकर 12 तक के लिए प्रायिकताएं निकालनी हैं, ठीक है, और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो योग है वो 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 4 कब आएगा, 5 कब आएगा, 6 कब आएगा, 7 कब आएगा, 8 कब आएगा, 9 कब आएगा, 10 कब आएगा, 11 कब आएगा, 12 कब आएगा। तो इतनी चीजें अब हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए हम पहले एक बाउंड्री खींच लेते हैं ताकि हमें जगह की कमी ना हो। नाउ लुक एट दैट, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2, जब एक्स की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना, तो जो कॉम्बिनेशन होंगे वो आपके पास में क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन आपके पास में बन सकता है 1 1, बस इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू आएगा 1/36, क्योंकि जब दो कॉइंस को टॉस करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में सैंपल एलिमेंट्स आते हैं उनकी संख्या 36 होती है ना। आप चाहो तो यहां पर लिख भी लेना, बिकॉज ns इज इक्वल्स टू 6 × 6 यानी कि 36 आएगा। क्लियर? तो वो शॉर्ट था, ऊपर लिख देना चाहिए था, तो नहीं लिखा, वो यहां पर हमने लिख दिया। अब व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3 यानी कि जब योग 3 होगा, तो 3 योग कब कब हो सकता है? एक आपको 1,2 मिले और दूसरा आपको 2,1 मिले, इसके अलावा 3 का योग बनने का कोई चांसेस नहीं है। तो दो ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू आएगा 2/36, यानी कि 1 बाय
1 by 18. सिमिलरली व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4, यानी कि योग 4 आए 500 के अंकों का, तो ये कब कब आ सकता है? एक आपको 1.3 मिले, एक आपको 2.2 मिले, एक आपको 3.1 मिले। इसके अलावा तो नहीं आ सकता है 4। आपको 1.3 मिले तो 4 आ जाएगा, आपको 2.2 मिले तो 4 आ जाएगा, और आपको 3.1 मिले तो भी 4 आ जाएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 3 हो गए। तो इट मींस दैट के प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4, यानी कि सम 4 आए, इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/36, यानी कि 1/12। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद में when x is equals to 5, यानी कि योग जो है वो 5 है, तो 5 कब कब आ सकता है? 5 आ सकता है अगर आपको 3, 2 मिल जाए, योग 5 आ सकता है अगर आपको 4, 1 मिल जाए, हो सकता है आपको 1, 4 मिल जाए, या हो सकता है आपको 2.3 मिल जाए, यानी कि 3, 2, 4, 1, 1, 4 और 2, 3 के केसेस में आपको योग 5 मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल केसेस होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 5, वो हो जाएगा 4/36, यानी कि आपको मिल जाएगा 1/9। क्लियर बच्चों? When x is equals to 6, तो 6 कब कब आ सकता है? 6 आ सकता है अगर आपको 5, 1 मिल जाए, आपको 4, 2 मिल जाए, आपको 3, 3 मिल जाए, आपको 2, 4 मिल जाए, और आपको 1, 5 मिल जाए। ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर ये 5 संभावनाएं हैं जिनमें आपको जो अंकों का योग है वो 6 मिलेगा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 6 आपको मिल जाएगी कितनी? दिस इज इक्वल्स टू 5/36। क्लियर बच्चों? इसी प्रकार व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 7, जब एक्स 7 होगा तो संभावित अंक क्या क्या हो सकते हैं 500 पर? वो आपको मिल सकता है 5, 6, 1 से, वो आपको मिल सकता है 5, 2 से, वो आपको मिल सकता है 4, 3 से, वो आपको मिल सकता है 3, 4 से, वो आपको मिल सकता है 2, 5 से, वो आपको मिल सकता है 1.6 से। तो कुल कितने आपके पास में ऑब्जर्वेशन हो गए? 6 ऐसे संभावित परिणाम हैं जो आपको अंकों का योग 7 देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अंकों का योग 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल्स टू 6/36, यानी कि 1/6। जब x इज इक्वल्स टू आपके पास में होगा 8, कितना होगा? 8। तो उस स्थिति में आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या बन सकते हैं? आपको 6.2 मिल सकता है, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर तो होता नहीं है। आपको 5.3 मिल सकता है, आपको 4.4 मिल सकता है, आपको 3.5 मिल सकता है, और आपको यहां पर 2.6 मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इन 6 के बाद में जो अगले संभावित परिणाम हैं वो होंगे आपके ये 5। इन 5 स्थितियों में आपको जो योग है वो मिलेगा कितना? 8 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 8 आपके पास आएगी 5/36। कितना आएगा? 5/36। When x is equals to 9, जाने कि योग 9 हो, तो उसके लिए आपको 6, 3 चाहिएगा, आपको 5, 4 चाहिएगा, आपको 4, 5 चाहिएगा, और आपको 3.6 चाहिएगा। तो ये कुल मिलाकर 4 ऑब्जर्वेशन है जो आपको योग 9 देंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल्स टू 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी योग 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36, यानी कि
1/9। सिमिलरली एक्स बराबर 10 आए उसके लिए संभावित क्या क्या आपके पास संभावनाएं बन सकती हैं, आपको 6, 4 मिल जाए, आपको 5, 5 मिल जाए और आपको 4.6 मिल जाए। बस ये 3 ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 10 होगी आपकी 3/36 यानी कि 1/12 हो जाएगी, राइट। सिमिलरली व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 11, एक्स बराबर 11 हो इसके लिए क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, आपको 6, 5 मिल जाए और 5, 6 मिल जाए, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है जो आपको 11 दे दे। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 11 इज इक्वल्स टू 2/36 यानी कि 1/18 आ जाएगा आपके पास में। इसी प्रकार व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 12 तो आपके पास एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा 6.6 का। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 12 आपको मिल जाएगी 1/36। तो ये हमने बच्चों जितने संभावित परिणाम हो सकते थे x के उनके लिए प्रायिकताएं निकाली, और ये प्रायिकताएं हमने इस आधार पे निकाली हैं कि अंकों का योग जो है वो किन किन परिस्थितियों में हमें ये मिल सकता है। लास्ट में आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए कि ये सही किया है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन सब की संख्याओं को ऐड कर लेंगे। जैसे यहां पर ये 1 है, ये कुल मिला के 2 है, यानी कि 1+2 3 हो गया और ये 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, ये 15 हो गया, 15 के बाद में ये 6 आपका 21 हो गया, ये आपका 26 हो गया, ये 30 हो गया, ये 33 हो गया, ये 35 और ये 36। यानी कि ऊपर की जो संख्याएं आ रही थी उनका योग भी 36 होना चाहिए, क्योंकि 36 से ज्यादा तो मिल नहीं सकते हैं अपने को परिणाम जब दो डाइस को हम फेंकें या दो पांसों को फेंकें। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, कुल मिलाकर सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। तो अब हम इनको एक टेबल में लिख देते हैं, यानी कि एक प्रायिकता बंटन सारणी बना देते हैं। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आई होप कि आपने इसको नोट भी कर लिया होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। हैंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर लिखिएगा आप x की वैल्यू और यहां लिखिएगी उसकी प्रायिकता। x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं इधर पे, है ना, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है और 12 हो सकती है। और अब इनकी प्रोबेबिलिटीज, जब 2 था तो प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास में 1/36, जब सम जो था वो 3 था तो प्रोबेबिलिटी आई थी 1/18, जब हमारे पास x की वैल्यू 4 यानी सम 4 था तो प्रोबेबिलिटी आई थी 1/12, जब सम 5 हुआ तो प्रोबेबिलिटी आई 1/9, जब सम 6 हुआ तो प्रोबेबिलिटी आई 5/36, जब सम 7 हुआ तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई कितनी 1/6, जब सम 8 हुआ तो प्रोबेबिलिटी आई फिर से 5/36, और फिर उसके बाद आई थिंक रिपीट होना शुरू हो गया, 1/9 आया वापस, 1/9 के बाद में हमारे पास में 1/12 आया गया, 1/12 के बाद में हमारे पास में 1/18 आया और फिर फाइनली 1/36 आया। तो ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया। अब इसके बेसिस पर हमें क्या निकालना था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस के लिए पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, तो आइए मीन निकालते हैं पहले। अब मीन का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करिए। मीन का फॉर्मूला क्या था, नाउ ईएक्स यानी कि मीन एक्सपेक्टेशन, दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi इनटू pi। सो जब आप इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 × 1/36 प्लस 3 × 1/18 प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 प्लस, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/9 प्लस 30/36 प्लस 7/6 प्लस 8×5=40 40/36 प्लस ये हो जाएगा 9/9 × 1/9 यानी कि इट इज
मैं 9/9 ही लिख देता हूं, है ना, क्योंकि इसको फिर बाद में एलसीएम तो लेना ही है। फिर ये हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा प्लस 11/18 और फाइनली 12/36। ये मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्ट लिखा। अब इन सबका जो एलसीएम है वो आएगा कितना, 36। तो सभी का एलसीएम 36 आएगा। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आपके पास में आ जाएगा 2। ये यहां पर ये 2 आएगा यहां पर सबसे पहले, तो ये 2 प्लस, यहां पर 36 बनाने के लिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस, इसको 36 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 12 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कितने में, आपको करना पड़ेगा 4 में, तो 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 20 प्लस, ये तो 36 ऑलरेडी है तो यहां आ जाएगा 30 प्लस, यहां पर आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6/7 42 यानी कि 42 प्लस, यहां पर तो आपके पास में पहले से ही 40 है ऑलरेडी, ठीक है ना, और ये कब आया था, ये 8/5 40 के कारण में आया था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में इसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा, तो ऊपर भी 36 प्लस, यहां पर आपको करना पड़ेगा 3 का तो ये 30 हो जाएगा, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर कितने का, 2 का, तो ये 22 हो जाएगा, और यहां पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये 12 एज इट इज आ जाएगा। और जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास में जो फाइनल ई एक्स की वैल्यू है वो आएगी, कितनी आएगी, यू विल गेट 2+6, ओके, 2+6 आपका 8 हो गया, और 8+12 20 हो गया, 40 हो गया, 70 हो गया, और ये 70+42, तो 70+42 जो है ये आपका 110, 112 हो गया, ये 152 हो गया, और 130, 180 और 188 हो गया, और 188+12 ये 200 हो जाएगा, और फिर ये 222 हो जाएगा, और ये फिर 252 हो जाएगा, यानी कि दिस इज 252/36 आ जाएगा। और अगर आप इसको 2 से कैंसिल करें तो जैसे ही आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में 1, 2 और 6, तो 126/18, फिर 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 6, और ये 6 और ये आ जाएगा आपके पास में 3, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में कितना, 2 से कैंसिल किया है तो ये 9 आ जाएगा। फिर आप इसको कैंसिल कर देंगे किससे, आप इसको कैंसिल करेंगे 3 से, 3 से जब आप कैंसिल, सॉरी 9/7 63, तो डायरेक्ट 7 लिख दीजिए, सिंपल 9/7 63, तो आपके पास में ये 7 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास में ई एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई है 7। अब ई एक्स के बाद में आपको चाहिए ई एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब ये है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, एक्स स्क्वायर में पी आई का मल्टीप्लाई करना है, तो आइए जरा करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, अब इस 2 का स्क्वायर करो, 1/36 में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4/36 प्लस 9/18 प्लस 16/12, इनका स्क्वायर करते जा रहे हैं बच्चों, 25/9 प्लस 36, ओके 36 × 5, तो 36 × 5 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 36 × 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 180 180 / 36 हो जाएगा ये। फिर 49 × 1/6 यानी कि 49 × 6 49/6 ये हो जाएगा 64 64 64 × 5, तो 64 यानी 640 और उसका आधा, ठीक है, तो दिस इज आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 320, तो 320 / 36 ये 81/9 हो जाएगा प्लस 81/9
प्लस ये आपका हो जाएगा कितना, यहां पर इसका स्क्वायर कर दोगे तो 100 डिवाइड बाय 12, ये आपका हो जाएगा 121 डिवाइड बाय 18, और फाइनली 12 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 144 डिवाइड बाय 36। अब आप इन सब का क्या करिए, एलसीएम लीजिए और फिर उसको सॉल्व करिए। तो सभी का एलसीएम जब लेंगे तो वो एलसीएम तो 36 आएगा। यहां पर डायरेक्ट आप 4 लिख दीजिए, प्लस इसमें आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 18 हो जाएगा, प्लस इसमें ऊपर नीचे 3 का कर दीजिए तो 16 दिए 48 तो ये 48 हो जाएगा, प्लस इसमें 4 का कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा और डिवाइड बाय 36 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 36 है तो ये 180 एज इट इज आ जाएगा। फिर इसमें आप ऊपर नीचे 6 का गुणा करिए, तो जब आप इसमें 6 का गुणा करेंगे तो ये 5 6 30 और 30 मतलब 300, उसमें से 6 हटा दीजिए, ठीक है। तो 6 जैसे ही आप उसमें से हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 294, तो दिस इज 294 प्लस ये 36 ऑलरेडी है तो ये 320 एज इट इज, प्लस ये इसमें आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 81 में 4 का, तो 8 4 32, ठीक है 8 4 32 और 4 और आएगा उसमें तो आई थिंक 24 हो जाएगा, 324 प्लस यहां पे 3 का गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 36, प्लस इसमें 2 का करना पड़ेगा तो ये 242 हो जाएगा और इसमें 144 एज इट इज आ जाएगा। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे तो मैं आपको यहां पे आप डायरेक्ट लिख देता हूं कि क्या आएगा, ये इस बच्चों, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास में फाइनली ये आ जाएगा 329 डिवाइड बाय 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 54.83, बल्कि मेरा तो कहना है कि आप इसको एज इट इज ही रहने दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आपके पास में ax आ गया है, ax स्क्वायर आ गया है, तो यहां पर फिर जो वेरिएंस है, वेरिएंस यानी कि प्रसरण जो है, प्रसरण बराबर आपके पास में आएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू ex स्क्वायर और माइनस ex का होल स्क्वायर, ये प्रसरण का फॉर्मूला होता है। तो प्रसरण या वेरिएंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 329 डिवाइड बाय 6 माइनस, माइनस कितना, माइनस आपके पास में ex का स्क्वायर, तो ex की वैल्यू आई थी 7, तो दिस इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 49 इंटू, जब 6 करेंगे तो 49 इंटू 6 करेंगे तो 5 6 30 यानी 294 आएगा, तो दिस इज 329 डिवाइड माइनस 294 एंड डिवाइड बाय 6, ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो यू विल गेट, आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा जब आपने इसको माइनस कर दिया तो यहां पर आप कुछ मत करिए 6 ऐड कर दीजिए, तो ये माइनस कर देंगे तो 29 प्लस 6 35 हो जाएगा, तो 35 डिवाइड बाय 6, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 5 30 होता है, 5 बचा 50 हो गया, और फिर 6 8 48 होता है तो 5.8 आ जाएगा, और फिर उसके बाद में 2 बचेगा फिर उसको कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो लगभग इसकी वैल्यू जो है वेरिएंस की वो 5.83 के आसपास आएगी। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि जो मानक विचलन है, मानक विचलन निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपका वेरिएंस आया है उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी प्रसरण का वर्गमूल ले लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.83, और 5.83 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 2.41, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2.41, आप इसको एक बार क्रॉस एग्जामिन कर लीजिएगा। तो मेन जो काम था बच्चों वो इस क्वेश्चन में केवल ये था कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही सही निकालें, फिर उसके बाद में जो ex है यानी कि मीन है उसका फॉर्मूला लगा के मीन निकालें, फिर आप ex स्क्वायर निकालें मतलब x स्क्वायर के साथ इस pi का मल्टीप्लाई करें जो उसकी वैल्यू आए, उसके बाद में आप वेरिएंस निकालें इस फॉर्मूले से, ये हमने डिराइव भी करा था पहले, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपने प्रायिकता निकाली, प्रायिकता बंटन भी लिखा, फिर आपने मीन में निकाला, वेरिएंस में निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला, तो काफी लंबी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन।
नाउ बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। वो हमसे कह रहा है द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन वन ऑन थ्री फेसेस, टू ऑन टू फेसेस एंड फाइव ऑन वन फेसेस। मतलब कि हमने क्या करा है कि हमें मीन निकालना है। किस चीज़ का हमें मीन निकालना है? अगर हमने एक डाइस को फेंका है जबकि उस डाइस के तीन साइड्स पर एक लिखा है, दो साइड पर सॉरी दो लिखा है और एक साइड पर पांच लिखा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि ये जो अंक हैं इन्हीं को ही आप एक्स मान लीजिए और इनको आने की प्रायिकता निकाल लीजिए, और फिर इसके लिए आपको क्या निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है, क्योंकि मीन एक्स के लिए निकाला जाता है और एक्स मतलब जो आपको जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना, यानी जो आउटकम्स आ सकते हैं वो टोटल आपके पास में छः ऑप्शंस हैं और उन छः ऑप्शंस में से कितने नंबर कितनी बार आया है वो आपकी एक्स की वैल्यू हो गई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 16 में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपके पास में यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज हैं अगर हम लोग नंबर्स मान लें जो आपको मिल सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू होगी 1, एक्स की वैल्यू होगी 2 और एक्स की वैल्यू होगी 5, क्योंकि ये तीन नंबर्स ही हैं केवल डाइस पे। और इनकी करस्पॉन्डिंग आपने देखा कि ये जो 1 है ये तीन साइड्स पर है, ये जो 2 है ये दो साइड पर है और ये 1 साइड पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 ये हो जाएगी 3/6, क्योंकि 6 फलके होती हैं और उनमें से 3 फलकों पर 1 लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 तो ये हो जाएगा 2/6 और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 तो ये हो जाएगा आपके पास 1/6। अब x आपके पास में है, px आपके पास में है, तो जो मीन है मीन इज इक्वल्स टू आएगा आपका 1 × 3/6 1 × 3/6 प्लस 2 × 2/6 प्लस 5 × 1/6। इसको जब आप कैलकुलेट करें, जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 6, यहां पर आपको मिल जाएगा कितना 3, ये आपको मिल जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास में 5। टोटल जब आप करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 12/6, यानी कि आपके पास मीन जो है वो आ जाएगा 2 और इसमें जो ऑप्शन है वो है बी, जिसमें कि 2 आपको दिया हुआ है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अब आते हैं 17 पर। 17 में आपसे क्या कहा है? उसने आपसे कहा सपोज दैट टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, यानी 52 पत्तों के गड्डी में से दो कार्ड निकाले जाते हैं, बहुत बढ़िया। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एशेस ऑब्टेन्ड देन द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स जो है वो नंबर ऑफ एशेस यानी कि इक्को की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो कुल मिला के भैया इक्के तो होते हैं 4, तो जो x की वैल्यू है यहां पर हो सकती है 0, 1, 2, 3 और 4, इतनी हो सकती है। अब दो कार्ड निकालने को वो कह रहा है, तो दो कार्ड निकाले जाए अगर 52 पत्तों में से, तो दो ही कार्ड निकालना है ना। ओके, दो कार्ड निकाले जाते हैं। ओके, तो भैया x की वैल्यू जो है वो 2 तक जाएगी, क्योंकि दो कार्ड निकालने हैं हमको, तो हो सकता है हमको एक भी इक्का ना मिले यानी x की वैल्यू 0, एक इक्का मिले यानी x की वैल्यू 1, और दो मिले दो मिल जाए दोनों इक्के हों तो उसकी x की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब 2 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितने पत्ते निकाल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ना कि कितने इक्के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट दैट। अब जो ns है यानी कि दो पत्तों को निकालने के कुल तरीके, वो होगा 52c2 यानी कि 52 × 51 / 2 × 1, तो ये तो कट जाएगा इससे, तो ये 26 आ जाएगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 26 × 51, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं अभी फिलहाल, तो 26 × 51 लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये तो टोटल तरीके हो गए दो पत्तों को निकालने के। अब वो हमसे कह रहा है जब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी पत्ता जो है वो इक्का ना हो, तो भैया कुल मिला के 4 इक्के होते हैं, 4 एशेस होते हैं, इक्के होते हैं,
तो 52 में से चार इक्के होते हैं, तो 48 क्या हो जाएंगे, नॉन एशेस, यानी इक्के नहीं होंगे। तो भैया x इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि पत्ता जो है दोनों में से इक्का है ही नहीं एक भी। तो इट मीन्स दैट के जो दो पत्ते होंगे इन 48 में से होंगे, तो 48 में से आपको दो पत्ते चुनना होंगे और डिवाइड बाय आपका ये 52C2, यानी आपके पास भाई इसकी वैल्यू तो आपने देख ली 26 into 51, इसकी आएगी आपके पास में 48 into 47 divided by 2 into 1 into, ये आपके पास 26 into 51 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको दो को इससे कैंसिल कर दीजिए तो ये आपके पास में आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो अब ज्यादा कुछ तो कट नहीं रहा है आपका, ज्यादा से ज्यादा इससे दो कट सकता है, यहाँ पे कट जाएगा ये 12 बार और ये कट जाएगा 13 बार, तो आपके पास में आ जाएगा 12 into 47 divided by 13 into 51। तो x is equals to 0 के लिए तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। जब x की वैल्यू 1 होगी, यानी कि आपको एक पत्ता जो है वो इक्का मिले और एक पत्ता नॉन इक्का मिले, तो भैया इक्का चार होते हैं, तो चार में से एक इक्का और 48 में से भी एक पत्ता होना चाहिए, डिवाइड बाय यही आपका 26 into 51। अब इसका मतलब हो गया 4 into 48 divided by 26 into 51। अगर आप इसको कैंसिल करें तो वही यहां पर 24 into 4 और डिवाइड बाय 13 into 51 हो जाएगा, यानी एक पत्ता इक्का होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ये चीज समझने वाली है क्योंकि ये इसमें संचय का यूज हुआ है कॉम्बिनेशन का, दो पत्ते निकालने हैं और एक पत्ता इक्का होना चाहिए, तो चार में से एक पत्ता निकालना है अपने को इक्का, तो उसके पॉसिबल केसेस क्या बन सकते हैं, 4C1 कुल तरीके मल्टीप्लाई, एक पत्ता आपको नॉन एश निकालना है तो 48 में से निकलेगा, तो 48 into C1, ये आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा। और अब फाइनली प्रोबेबिलिटी 1x = 2, यानी कि दोनों ही पत्ते जो हैं वो इक्के होने चाहिए, यानी कि इसमें से कुछ निकालना ही नहीं है, तो 4C2 divided by 26 into 51। तो 4C2 का मतलब होता है आपका, 4C2 का मतलब होता है 4 into 3 divided by 2 into 1 into 51 into 13, 26। तो ये इससे काट दो तो ये आ जाएगा आपका 2, और 2 से फिर इसको काट दो तो ये आ जाएगा 13, तो आपके पास में आ जाएगा 3/13 into 51। ठीक, तो ये आपके पास में सभी की क्या आ गई हैं, प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है एक तरह से। अब निकालना क्या था उसने, उसने कहा था ईएक्स, तो ईएक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, इस एक्स की वैल्यू में इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले तो जीरो मिल जाएगा, फिर इस वन में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 24 into 4 divided by 13 into 51, प्लस इस टू का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो डायरेक्ट लिख दो आप तो एक तरह से 6, ये 2 into 3 6 और ये 13 into 51, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना भैया, ये तो हो गया आपके पास में 24 into 4 96, 96 में आप 6 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 102 divided by 51 into 13। अब 51 से अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/13। तो फाइनली आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/13, तो 2/13 जो है वो डी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म हुआ और उसी के साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हुई। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, समय थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन अगर आप पेशेंस और समझदारी के साथ में देख रहे हैं और खुले दिमाग से देख रहे हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं जाएगी, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझिए, करिए एक एक प्रश्न को समझ समझ के करिए, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज के पहले के एग्जाम्पल जरूर करिएगा, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने में और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्योंकि
कॉम्बिनेशन और परमुटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसकी एक बेसिक समझ भी होना जरूरी है, और खासकर वो ताश की गड्डी, पासों को फेंकना, ये सब चीजें तो पता ही होना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं अपनी ओर से। आप खूब एक्सरसाइज करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बंद मत खोइएगा, ठीक है। हम जल्दी अगली एक्सरसाइज के साथ में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।